आइए हम लोग कॉलम के लिए रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, एक हलवा लोहा जो 4 मीटर लंबा है, इसके क्रॉस सेक्शन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, इसका एक सिरा फिक्स का दूसरा हिंज्ड है। यदि कॉलम के पदार्थ का अल्टीमेट डिस्ट्रेस अंतिम प्रतिबल Fc = 560 MPa हो, एमपीए मतलब मेगा पास्कल, और रैंकाइन लोड का मान बताइए यदि ए रैंकाइन कांस्टेंट = 1/1600 हो, तो पहले हम लिखते हैं क्या दिया है। गिवन दैट L = 4 meter मींस इसको mm में चेंज कर देते हैं 4000 mm। डायमीटर इसके क्रॉस सेक्शन का है 3 सेंटीमीटर मींस 30 mm। FC इक्वल टू दिया है 560 MPa, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 560 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे कैसे डायरेक्ट हो गया। तो 1 MPa इक्वल टू होता है 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 560 इनटू 10^6 न्यूटन, और 1 मीटर में होता है 10^3 mm। अब देखिए 10^6 560 इनटू 10^6 न्यूटन पर 10^6, 10^3 का स्क्वायर क्या होगा, 10^6 होगा mm स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। दैट इज Fc = 560 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से डाया जब दिया है तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हैं। सो a = पाई बाय 4 इनटू d स्क्वायर, दैट इज पाई बाय 4 इनटू d है 30 का स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा a = 706.85 mm स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है i = ak स्क्वायर, और k = रूट में i/a। k = निकाल लेंगे वैल्यू, i अगर क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है तो i = होता है π/64 इंटू d^4 डिवाइडेड बाई 706.85। k की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे π/64, d है 30^4/706.85। k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे π/64 इंटू 30^4 डिवाइडेड बाय 706.85। बैट निकाल देते हैं, k की वैल्यू आएगी 7.5 mm, रेडियस ऑफ डायरेक्शन आ जाएगा। अब आप जानते हैं निकालना है हमको रैंकाइन लोड, वी नो रैंकाइन लोड PR = Fc * a/1 a l/k का होल स्क्वायर। चूंकि इसका एक साइड फिक्स है कॉलम का, दूसरा हिंज है, तो आप जानते हैं किस केस में जो l हो जाता है वो जाता है l/√2। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, वैल्यू से पुट कर देते हैं। PR = Fc दिया है 560 इंटू ए 706.85 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल ए की वैल्यू दिया है 1/1600 रैंकाइन कांस्टेंट की वैल्यू, और l = l/√2, l है आपका 4000 mm,
4000 बाई रूट में 2 हो जाएगा इंटू 7.5, ये के की वैल्यू आई है। वाह, डिवाइड बाई 1600 प्लस 1 ये हो जाएगा 560 इंटू 706.85 डिवाइडेड बाई 89.88। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप खुद भी वैल्यू पुट करके, बहुत इजी है। फाइनली आ जाएगा 560 इंटू 706.85 डिवाइडेड बाई आंसर, यह आ जाएगा 4403.6 न्यूटन, 4403.6 न्यूटन आएगा। इसको हम किलो न्यूटन में जब चेंज कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू PR इज इक्वल टू 4.40 किलो न्यूटन। यही रैंकाइन लोड की वैल्यू इस केस में आएगा जब कॉलम का एक साइड फिक्स और दूसरा हिंज हो। अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।